बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ लुल्लू, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ स्कूल की चीज़ें लेनी थी, तो मैं वो लेने के लिए आई हूँ। तो बच्चे भी आए हैं साथ में। हम तकरीबन जो है 5-6 महीने के बाद जो है आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले जो है लॉकडाउन की वजह से जो है मैं बच्चों को लेके बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं आती थी, तो घर में ही रहते थे बच्चे। तो आज वो आए हैं तो बहुत खुश हैं साथ में। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हमने बच्चों के लिए स्कूल की जो चीज़ें लेनी है वो लूँगी मैं। तो यहाँ पे ये है ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ तो मैं ना यहाँ से, मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से ऊपर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे परिंदे हैं, फिश हैं, छोटी छोटी टर्टल्स रैपिड हैं। तो बच्चे जो है ना वो देख के तो फिर जो है वो कहते हैं कि हमें लेके दो। तो मेरी बेटी जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है फिश रखने का, पैरेट या खरगोश रखने का, तो उसको बहुत ही शौक है। तो मैं उसको ले के नहीं देती, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना उसको जो है एलर्जी है जानवरों से, तो वो बीमार हो जाता है। मैं घर में लेके आऊँ ना, कोई भी परिंदा लेके आऊँ या फिश लेके आऊँ, तो मेरा बेटा जो है वो बीमार हो जाता है। तो मैं एक बार ना लेके आई थी पैरट, तो उससे ना मेरा बेटा जो बीमार हो गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाती थी, बहुत ही दवाई वगैरह लेके आती थी, लेकिन उसको कोई आराम नहीं आता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो फिर मुझसे डॉक्टर ने पूछा कि कहीं आपके घर में कोई परिंदा तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं रखा हुआ, कोई बिल्ली? तो मैंने उसको बोला कि हाँ, हमारे घर में एक पैरट है, तो बस वो रखा हुआ है हमने। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि शायद उसी की वजह से आपका बेटा जो बीमार है, तो आप ऐसा करें, वो आप पैरट किसी को दे दें, तो फिर देखें कि आपका बेटा ठीक होता है या नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेती हूँ मैं ये भी करके। तो मैंने जो अपने दिल पे पत्थर रख के तो वो पैरट जो है किसी को दे दिया। तो मेरी बेटी भी बहुत रोई के, उसको इतना लगाव था ना उस पैरट से। तो खैर वो मैंने दे दिया किसी को, तो उसके बाद जो है मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। तो उसके बाद फिर जो है मैंने कहा कि अब मैं अपने घर में कोई भी परिंदा नहीं लेके आऊँगी या कोई जानवर नहीं रखूँगी। तो फिर मेरी बेटी जो है उसने ज़िद की कि मामा चले मुझे ये फिश छोटी छोटी से ले दे, मैं ये रख लूँ घर में। तो वो मैं लेके आई, तो जब मैं लेके आई तो मेरा बेटा जो वह फिर से बीमार हो गया। तो फिर मैंने जो है ना वो फ़िश भी जो है मैं उसी शॉपकीपर को जो जिससे मैंने ली थी ना, मैं उसी को वापस दे आई, लेकिन फ्री दे आई, क्योंकि मेरा बेटा बीमार हो गया था। तो फिर उस टाइम भी मेरी बेटी जो है वो इतना जो है सैड हो गई कि मामा मुझे इतना शौक है परिंदों का, जानवर का, तो आप मुझे रखने नहीं देती। तो फिर वो ना कभी कभी बच्चे आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, तो उनकी बातें सुनने का बहुत ही मज़ा आता है। आपके भी बच्चे जब अकेले बैठे हो ना, तो आप उनकी बातें सुना कर, इतना मज़ा आता है ना इनकी बातें सुन के। तो आप उनको यही फील कराया करें कि मैं आपको देख भी नहीं रही हूँ और आपको सुन भी नहीं रही हूँ, तो बस मैं अपना मोबाइल देख रहे हो या कुछ कर लो, बस ऐसे बैठो कि उनको फील हो कि आप उनको ना तो सुन रहे हो ना ही देख रहे हो। तो उस टाइम इनकी बातें सुना करो, इतना मज़ा आता है इनकी बातें सुन के, इतनी क्यूट क्यूट सी बातें करते हैं। तो कभी कभी मैं बैठी होती हूँ ना, तो मैं सुनती हूँ ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसकी सिस्टर उसको कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, तो मैं अपना घर बनाऊँगी, तो मैं अपनी मामा को ना अपने पास रखूँगी। तो वो आगे से उसके साथ ना लड़ना शुरू हो जाता है कि मेरी मामा तुम्हारे पास क्यों रहेगी, मैं अपनी मामा को अपने पास रखूँगा, तुम अपने घर में जानवर रखो, एनिमल्स रखो, तो मेरी मामा जो है वो तो मेरे पास ही रहेगी। तो इनकी इस तरह की बातें सुन के ना इतना मज़ा आता है, इतनी हंसी आती है। तो फिर भी मैं जो है ना चुप करके बैठ के सुनती रहती हूँ इनकी बातें, तो अपना जो बचपन है वो याद आ जाता है। इतनी क्यूट क्यूट सी बच्चे बातें कर रहे होते हैं, इतनी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तो कभी कभी मेरा बेटा जो है मैं उसको कहती हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो फिर मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी अपनी मम्मा के पास, तो वो ऐसे सैड से हो जाते हैं कि जैसे हमारी मम्मा हमें छोड़ के चली जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं वैसे उनको बोल रही होती हूँ, तो फिर मैं उनको गले लगा लेती हूँ कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, आप तो दोनों मेरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ आप दोनों हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आप दोनों को छोड़ के चली जाऊँ। तो जो है ना वो मुझसे, मेरे बच्चे जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। सारे बच्चे ही अपनी माँओं से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो है बस इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। मैं उनके लिए सब कुछ हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ हैं। तो ये जो लुल्लू मार्केट है ये हमारे घर के बिल्कुल पास है। मैं जब भी मुझे चीज़ें लेनी होती हैं तो मैं यहीं पे आती हूँ, ये हमारे घर के बहुत पास है, बस 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट भी नहीं लगते, इससे भी कम लगता है टाइम यहाँ पे आने में। तो मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं यहीं पे आती हूँ, यहीं से आके ले लेती हूँ चीज़ें।
तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है और ऑफर्स भी लगी होती हैं सब टाइम यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं आई थी ऊपर, मैंने अपने लिए एक बैग लेना था, तो मुझे यहाँ से बैग जो है पसंद नहीं आया, तो फिर यहाँ पे मैं ये ज्वेलरी वगैरह देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैचर लिए, कुछ अपनी बेटी के लिए ली थी चीज़ें यहाँ से। तो जो है उसके बाद मैं शूज़ देखने लग गई, तो मुझे वहाँ से शूज़ भी जो है वो पसंद नहीं आए थे। तो वैसे मैं आई यहाँ पे अपनी बेटी के लिए, मुझे बेटी के लिए नहीं, बेटे के लिए कंप्यूटर लेना था, क्योंकि पहले उसके पास लैपटॉप है, उस पर वो स्टडी करता है। तो अभी वो मुझसे कह रहा था कि मामा मुझे कंप्यूटर ले दें, क्योंकि उसकी सिस्टर के पास कंप्यूटर है, तो वो कह रहा था मुझे भी कंप्यूटर ही लेके दें। तो मैं वो देखने के लिए गई थी, तो वो मुझे जिस तरह का मुझे चाहिए था मुझे मिला नहीं वहाँ से। तो फिर मैंने कहा चले, मैं जहाँ से मैंने उसकी सिस्टर के लिए लिया था मैं वहीं से लूँगी उसके लिए भी। तो फिर वहाँ पे हम घूमते रहे काफ़ी देर तक, चीज़ें देखते रहे, कुछ बच्चों की चीज़ें ली वहाँ से स्कूल के लिए, मार्कर ब्लैंको इस तरह की चीज़ें ली हमने। तो उसके बाद मैं थोड़ा आगे आई, तो वहाँ से मुझे नज़र आई लैपटॉप की जो टेबल्स होती हैं वो मुझे नज़र आ गई, तो वो मैंने एक दो ले ली, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो स्टडी कर रही होती है, तो वहीं पर मेरा बेटा जो है वो भी बैठ के पढ़ता है। तो फिर जब ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है उनकी, तो फिर वो एक जगह पे बैठ के दोनों नहीं पढ़ सकते, तो मेरा बेटा जो है वो अपना लैपटॉप लेके रूम में आ जाता है। तो जब वो रूम में बैठा होता है, तो यहाँ तो वो लैपटॉप बेड पे रखता है और यहाँ फिर नीचे कारपेट पे बैठ के पढ़ता है, तो उस तरह वो लैपटॉप जो है वो बहुत नीचे हो जाता है, तो वो थोड़ा सा बेंड होके फिर पढ़ता है। तो मैं उसके लिए इसलिए टेबल लेके आई थी ताकि वो सीधा बैठ के पढ़े। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चले मैं आपको भी दिखाती हूँ बहरीन, बहरीन का जो लुल्लू मार्केट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही चीज़ें जो है अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। तो बस मैं देख रही थी यहाँ पे, आप भी देखें मेरे साथ, एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे ये घर के लिए जो डेकोरेशन पीस हैं मैं वो देख रही थी, तो काफ़ी अच्छे और खूबसूरत है, तो मुझे जो भी पसंद आता है फिर वो मैं ले लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर वीडियो में कोई मैंने मिस्टेक की है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी उस मिस्टेक को ठीक कर सकूँ। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।